नमस्कार, बिहार की आवाज के साथ मैं चंदन कुमार। पुण्य गंगा सदा निरा बलान के शांत पुलिन पर स्थित यह अपार क्षेत्र है और यहाँ के मुखिया जी के द्वारा विश्व पर्यावरण संदेश देने के लिए और पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत के रोजगार सेवक, पंचायत के वरीय पदाधिकारी और वरीय रोजगार सेवक के सर हैं, वो सभी लोग आए हुए हैं और पार पंचायत को स्वर्ग से सुंदर जो है बनाने का एक अभियान जो है ये लोग चला दिए हैं। आप देख ही रहे हैं, पार पंचायत तो स्वर्ग से सुंदर गंगा जैसी निर्मल जो है जलधार बह रही है, बगल में शिव पोखर है। तो हम जानेंगे सबसे पहले यहाँ के मुखिया जी से। मुखिया जी, क्या आप पार को स्वर्ग से सुंदर बना के ही छोड़िएगा? हमारी शुभकामना है कि पार पंचायत को स्वर्ग से सुंदर बनाए। जी सर, आपका जी बहुत सुंदर बनाने का लक्ष्य है। हाँ हाँ, इस पार शिव पोखर पर सौंदर्यीकरण कार्य के तहत जी आज पृथ्वी दिवस है। हाँ, इसी के शुभ अवसर पर मतलब पूरे पार शिव पोखर के हाँ भिंड के चारों तरफ वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है जी, जिसके तहत जो है सो यह वृक्ष लगाया जा रहा है, ग्रीन लगाया जा रहा है जी, ताकि वृक्ष मेरा सुरक्षित रहे जी। ऑक्सीजन मिलेगा। पार का इतिहास तो बहुत पुराना है, बताया गया है यदि समस्तीपुर का परिचय दीजिए और पार का परिचय नहीं दीजिए तो समस्तीपुर का परिचय अधूरा है जी। तो ये बनने के बाद तो और जो है विश्व स्तर पर जो है इसका नाम, यह पार पांडवगढ़ जो है यह ऐतिहासिक धरती है। यह महाभारत कालीन यहाँ इससे पूर्व खुदाई भी हुआ है पांडव स्थान में। यहाँ पर बहुत तरह का मैंने अथी यहाँ से निकला है जी, मैंने पूर्व पाषाण काल गुप्त काल का केपी जसवा संस्थान के द्वारा खुदाई किया गया जी, और बहुत सारा सामान निकला है जिसको यहाँ से पटना संग्रहालय में रखा गया जी, है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि पर्यटन का भी दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत दें और यहाँ म्यूजियम बने और यहाँ सब सामान आ जाए। यही जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानेंगे हम पंचायत के सक्रिय लोग, पंचायत के रोजगार सेवक महोदय से। सर, आप भी कुछ बोलिए, आज तो पृथ्वी दिवस है और आप लगातार पर्यावरण के बचाने के दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार जी आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर जी हम लोग ग्राम पंचायत पार में पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसको सफल बनाए। सर, आपके साथ एक बड़ी पदाधिकारी भी आए, हम उनका नाम भूल रहे हैं, उनका क्या नाम है? शंकर जी, तकनीकी पर है जी। तो उनके द्वारा आज पौधा लगाया गया, तो कितने पौधे कहाँ कहाँ वो पौधा लगाए हैं आज? वो लगभग अभी 4-5 पंचायत में पौधारोपण का कार्यक्रम कर चुके हैं। आज भी बहुत सक्रिय रूप से लगा रहे हैं, उनसे भी हम कुछ जाने। पहले ना कर रहे हैं, आज पृथ्वी दिवस है। तो रविंद्र भैया, आपका इसमें? हाँ, पौधा तो लगा रहे हैं, पंचायत में भी लगा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी पंचायत में भी पौधा लगा रहे हैं, तो सक्रिय हैं हम लोग बिल्कुल। और पोखरी को तो इतना सुंदर तालाब को बनाना है, मुखिया जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। गंगा जैसी निर्मल धार तो अभी ही है, देख ही रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर और पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर तन मन से एक पौधा जरूर लगावे और उस पौधा का देखरेख करें, यही हमारी शुभकामना।